नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव ने देश के पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाले हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा या फिर नहीं, मोदी तीसरी बार सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ परिवारवाद की सबसे बड़ी उदाहरण बन चुकी कांग्रेस राहुल गांधी को फिर से लॉन्च कर पाएगी या फिर नहीं, और यही कारण है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। और इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अजमेर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और इस सभा में जैसे ही योगी ने यूपी के बुलडोजर का जिक्र किया, लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। योगी ने कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को याद करते हुए क्या कहा, पहले वो सुनिए। आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, पुष्टिकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैया लाल की निर्मम हत्या होती क्या, रावण की हत्या होती क्या? आप देख रहे होंगे यहाँ माफिया अपना रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज आप वाहन व्यक्तियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता, और भाइयों बहनों राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो रामराज्य आ गया, रामराज्य आ गया भाइयों बहनों, और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी के आने से पहले यूपी एक बदनाम राज्य हुआ करता था, सरकारों के माफियाओं के साथ संबंध हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से प्रदेश शांत है, माफियाओं को ठिकाने लगाया जा चुका है, और राजस्थान का हाल भी मौजूदा वक्त में ऐसा ही है। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को कौन ही बुला सकता है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में राजस्थान जैसे ऊंचाइयां छू रहा है, वो बताता है कि राजस्थान में हालात कितने बदतर हो चले हैं, और शायद यही वजह है कि जो योगी को कहना पड़ा कि हम छाती पर बुलडोजर चला देते हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, और आंकड़े ऐसा बताते हैं। इसी अपराध को लेकर योगी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है, और लोगों ने जिस हिसाब से योगी के साथ कदम ताल मिलाई है, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड चला आ रहा है, और इस बार कांग्रेस की सरकार है तो ये ट्रेंड तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस लोकसभा के सेमीफाइनल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दूं कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो देखना होगा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में किसकी किस्मत खुलती है, कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटती है या फिर राजस्थान की जनता ट्रेंड बदलते हुए बीजेपी को राजस्थान की कमान सौंपती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।